हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हो, 40 HP में आपको अगर ट्रैक्टर लेना है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर होने वाला है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में आप देख पा रहे हैं कि जो 40 HP के अदर कंपनी के ट्रैक्टर आते हैं वो बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं। तो आपको स्कॉट कंपनी का एक ऐसा ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेरे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलने वाला है और काफ़ी कम प्राइस में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। नाम के बारे में बात करें तो फार्म टैक चैम्पियन 39 है, जो कि आपको 40 HP में मिलने वाला है। तो 2024 में इसके प्राइस भी बताएंगे कि क्या इसके प्राइस होने वाले हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होगा इसका 2024 में होगा वो, तो इसमें कितने क्या मेरे किसान भाइयों को डाउन पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, इसमें किसान भाइयों को छूट मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो सब फुल डिटेल में बात करने वाले हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले सामने की लुक के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको हेलोजन लाइटें मिल जाती हैं जो काफ़ी प्यारी दी गई हैं और काफ़ी अच्छा इनका उजेला भी मिल जाता है और इस साइड भी। और यहाँ पर सामने आपको फार्म टैक की बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग में, जो काफ़ी प्यारी लगती है देखने में और ट्रैक्टर की लुक को भी काफ़ी शानदार बनाती है। और जो बम्पर मिलने वाला है, इसमें कंपनी फिटिंग बम्पर दिया गया वजन के साथ। जैसे कि मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को घाट वगैरह पर चलाते हैं, ट्राली वगैरह में, तो आपका ट्रैक्टर बिल्कुल भी घटान पर खड़ा वगैरह नहीं होगा। क्या होता है कि आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर देखे होंगे, अब अगर आप घटिया वगैरह पर ट्रैक्टर को चलाते हैं तो वो आगे से उठने लगते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी फिटिंग इसमें बेट दिया गया है, तो आपका ट्रैक्टर बिल्कुल भी आगे से नहीं उठेगा। और आगे टायर साइज की बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको टायर साइज भी बहुत अच्छे मिलने वाले इस ट्रैक्टर में, क्योंकि 40 HP का ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर साइज लिखा हुआ है 6/16 के इसमें टायर दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे इसमें टायर वगैरह भी मिलने वाले हैं। और इसमें आपको जो स्टेयरिंग दी गई है दो ऑप्शन में मिल जाती है, जैसे मेरे किसान भाई सादा स्टेयरिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और पावर स्टेयरिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं पावर स्टेयरिंग है, अगर आप इसमें सादा स्टेयरिंग लेते हैं तो इससे थोड़ा बहुत पैसा भी कम हो जाता है। और इसकी बैटरी जो है साइड में एडजस्ट की गई है, जैसे कि यहाँ पर बैटरी एडजस्ट की गई है। सेफ्टी के फीचर्स से देखें, अगर आपकी बैटरी का कभी तेल वगैरह भी गिरता है, जैसे आपका ट्रैक्टर पुराना हो जाता है, तो वो आपके ट्रैक्टर को ख़राब नहीं करेगा, यहीं से जैसे नीचे गिर जाएगा जो ऑयल वगैरह होता है इसका, तेजाब वगैरह, वो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है कंपनी ने देखते हुए। तो इस साइड से भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर में बॉस कंपनी का पंप, इनलाइन पंप मिल जाता है, जो कि आपने सभी ट्रैक्टरों में देखे होंगे, अधिकतर सभी ट्रैक्टरों में बॉस ही कंपनी का पंप आता है। और एक यहाँ पर वाटर सेपरेट फिल्टर मिल जाता है। वाटर सेपरेट फिल्टर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके फ्यूल टैंक में कभी पानी वगैरह बनता है, जैसे अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, तो आपके फ्यूल टैंक में जो भाप बनेगी वो पानी का आकार ले लेती है, तो जो पानी बनता है आपके फ्यूल टैंक में जो ये वाला फिल्टर सोख लेता है। जैसे कि यहाँ पर एक डैश भी लगाया गया है, रेड डैश है, और अगर यहाँ तक आपके इसमें सेप फिल्टर में पानी आ जाता है तो आप इसको नीचे से खोल दीजिए, तो आपका जो पानी है वो नीचे गिर जाएगा, फिर इसको बंद कर दीजिए। तो इससे क्या सेफ्टी मिलती है, जैसे कि जो पानी वगैरह है वो आपके पंप में नहीं जाएगा, तो आपका पंप एक सुरक्षित रहेगा, एक लंबे समय तक रह चलेगा आराम से। इसमें पावर स्टेयरिंग का अलग से टैंक दिया हुआ है। अच्छा। अगर कोई भी खराब होगा तो 1.5 लीटर में आसानी से बदल सकते हैं, मतलब स्टॉक में इसमें 1.5 लीटर ऑयल रखा रहता है जी। अच्छा, और जैसे क्या होता है, हमने अदर ट्रैक्टरों में देखे हैं कि पावर स्टेयरिंग का ऑयल और उसका जो, हाँ उसमें साथ में आता है, उसमें पूरा बदलना पड़ता है। अच्छा, इसमें अलग से दिया गया है। इसमें कटिंग भी कम जाती है गरारी की, इससे ये ज्यादा देर तक चलता है। अच्छा, तो लंबे समय के लिए हो जाता है, किसान भाइयों को इसमें बचत भी हो जाती है। हाँ, 1.5 लीटर में काम हो जाएगा अपना। हाँ, कि कभी खराब भी होता है तो अलग से इसका रिपेयर हो जाएगा। और इसका कूलेंट सिस्टम कैसा है? ये कूलेंट वाटर है, अपन को रेडिएटर में देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अपने सामने दिख जाएगा, यहाँ निशान है मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, दोनों के निशान के बीच में चाहिए वाटर कूलेंट। अच्छा, और जैसे मेरे किसान भाई इस ट्रैक्टर को लगातार चलाते हैं तो आपका ट्रैक्टर गर्म तो होगा नहीं, कोई शिकायत तो आएगी नहीं ऐसा कि हीटिंग करने लगा, गर्म होने लगा, तो ऐसे कुछ चांस तो है नहीं इस ट्रैक्टर? नहीं, उसके लिए अपन ने मीटर दिया डैशबोर्ड में। अच्छा, तो टेम्परेचर मीटर देखते हैं अपन। अच्छा,
टेम्परेचर मीटर दिया गया डैशबोर्ड में। हाँ, डैशबोर्ड यहाँ पर सेंसर वगैरह लगाए गए। सेंसर लगा, उस तरफ भी सेंसर लगा, साइलेंसर के पास। थोड़ी दिखाओ कहाँ पे लगा है सेंसर। यहाँ हेड के पास यहाँ सेंसर दिया हुआ है। अच्छा, ये ऑयल प्रेशर सेंसर दिया अपन ने। हाँ, इसमें ऑयल प्रेशर दिखेगा। अच्छा, कि ऑयल किस तरह का प्रेशर बना रहा है। नहीं, ऑयल प्रेशर गेज बताता रहता है। अच्छा, और जेब सिस्टम क्या लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, अपन को तेल छान के देगा हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है जी। जैसे सर्विस वगैरह करवाते हैं तो इसको बदलना पड़ता है। हर सर्विस बदलना पड़ेगा। हर सर्विस पे क्या क्या बदलेगा इसमें। ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर बदलेगा। फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर, ऑयल फिल्टर, तीनों फिल्टर। तीनों फिल्टर बदलेंगे। सर्विस इसकी कितने घंटे पे होती है। इसकी 250 घंटे पे। 250 घंटे पे पहली सर्विस कितने घंटे। पहली सर्विस 50 घंटे पे। हाँ, और बाकी फिर 250 घंटे पे। 250 घंटे पे एक बार सर्विस कराने में कितना खर्चा आ जाता है मेरे किसान भाइयों को। 3500 से 4000 के लगभग। 3500 से 4000 के बीच में खर्चा आ जाता है। और भी कुछ तो बदलता नहीं है, जैसे रेगुलेटर वगैरह में कुछ नहीं। उसकी सफाई होती है, हवा से सफाई होती है। हाँ, और जो एयर क्लीनर वगैरह दिया गया इसमें ऑयल कूलेड है। हाँ, बेड लाइनर। अच्छा, इसको नीचे इसमें ऑयल वगैरह डलेगा नीचे। 900 ग्राम। आपको ये ट्रैक्टर सिंगल क्लच के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर इसके गियर दिए गए हैं, तो गियर भी आपको दिखाते हैं कि इसमें टोटल कितने गियर मिलने वाले हैं। तो मैं सीट पर बैठ जाता हूँ। तो जैसे कि मैं सीट पर बैठ गया हूँ, अभी आपका जो बड़ा वाला लीवर है आपको रिवर्स फॉरवर्ड के लिए मिलने वाला है, और जो छोटा वाला लीवर दिया गया है ये हाई लो के लिए मिलने वाला है। जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें 4 गियर दिए गए हैं, 1 रिवर्स में दिया गया है। तो आप इसमें रिवर्स में 2 गियर लगा सकते हैं, यानी कि 1 हाई में ले जा सकते हैं, 1 लो में ले जा सकते हैं। और आपके जो फॉरवर्ड में गियर दिए गए हैं वो आप इसमें 4 गियर आप इसमें लो में ले जा सकते हैं, और 4 गियर फॉरवर्ड में ले सकते हैं, यानी कि टोटल इसमें 10 गियर मिलने वाले हैं। और जो इसका ब्रेक दिया गया है, पावर ब्रेक, ऑयल में डूबे हुए ब्रेक मिलने वाले हैं। पावर ब्रेक की काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग रहती है। जहाँ पर मेरे किसान भाई ब्रेक लगा देते हैं वहीं पर ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग रहती है। ऑयल में डूबे हुए मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर में देखे होंगे तो वो आवाज़ करने लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इसके ऑयल में डूबे हुए आपको ब्रेक मिलने वाले हैं। और कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड दिखने वाला है, जैसे कि यहाँ पर फ्यूल शो करेगा, यहाँ पर RPM शो करेगा, यहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर का टेम्परेचर है वो शो करेगा, और यहाँ पर इसके घंटे वगैरह भी शो करेगा कि आपने कितने घंटे ट्रैक्टर को चला लिया है। और एक और इसमें फीचर्स मिलने वाला है, जैसे कि मेरे किसान भाइयों का मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज हो जाता था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ट्रैक्टर से ही मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एक कार वाला चार्जर लाइए 12 वाट का, और यहाँ पर लगाइए अपने मोबाइल को, और मोबाइल को डालिए पॉकेट में, तो आपका मोबाइल चार्ज होता जाएगा। और यहाँ पर इसका हॉर्न मिल जाता है, और यहाँ पर लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, और सेंट्रल में जो इसकी चाबी लगेगी यानी कि यहाँ पर, और यहाँ से आप अपने ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं। और एक्सीलेटर दिया गया है, एक हाथ में मिलने वाला है एक्सीलेटर का कंट्रोल, एक एक्सीलेटर का कंट्रोल आपको पैर में भी मिलने वाला है, तो डबल एक्सीलेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पर इसका हैजर बटन दिया गया है, जिससे आपके चारों बल्ब एक साथ जलेंगे, जैसे कि आगे के और पीछे के भी। इससे क्या होता है कि अगर आप पार्किंग वगैरह में ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं तो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आते जाते वाहनों को पता चलता रहता है कि कोई वाहन खड़ा हुआ है, तो वो सेफ्टी से निकल जाते हैं। और एक बटन यहाँ पर भी दिया गया है। और जो स्टेयरिंग देख पा रहे हैं आप, एक छोटी सी कार जैसी इसमें स्टेयरिंग मिलने वाली है, जो काफ़ी प्यारी लगती है देखने में। यहाँ पर आपको कल्टीवेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कल्टीवेटर उठाना धरना है, या आप ज़मीन के अनुसार जुताई करते हैं, जैसे कि ज़्यादा हार्ड मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी है, तो आप इसको फिट कर लीजिए एक बार कि आपको ज़मीन के कितनी गहराई तक कल्टीवेटर को धसाना है, यानी कि ले जाना है। बाकी उठाने धरने का काम ये करता रहेगा आपका आसानी से, बार बार आपको इसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। आप इसी से उठाते धरते रहेंगे आपके कल्टीवेटर को, तो काफ़ी अच्छा ये भी मिल जाता है। और जो सीट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलने वाली है इसमें, एडजस्टेबल सीट दी गई है, जैसे कि कोई किसान भाई छोटा होता है, कोई किसान भाई हाइट में बड़ा होता है, तो उनके लिए एडजस्टेबल सीट दी गई है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ ट्राली उठाने का सिस्टम दिया गया है, इसको खोलना कसना पड़ेगा आपको ट्राली उठाने के लिए। और जो यहाँ पर सिस्टम दिया गया है ये आपके पावर ब्रेक का दिया गया है, यानी कि
हैंड ब्रेक भी बोलते हैं कुछ किसान भाई, तो इससे आप अपना ट्रैक्टर की हैंड ब्रेक वगैरह भी लगा सकते हैं। और पीटीओ गियर यहाँ पर दिया गया है, इससे पीटीओ वगैरह भी चला सकते हैं मेरे किसान भाई। इसको पीछे कीजिए तो आपकी पीटीओ सॉकेट चालू हो जाएगी। और पीछे टायर चार्ज की बात कर लेते हो आपको, तो बड़े वाले पीछे भी टायर मिलने वाले हैं इनमें, यानी कि 13-6-28 के बड़े वाले टायर पीछे दिए गए हैं, जिससे मेरे किसान भाई आराम से काम कर सकते हैं। और इसमें फिसलने का भी डर नहीं होता, क्या है छोटे वाले जो टायर होते हैं उनमें फिसलाव ज़्यादा होता है और इतनी पावर नहीं लगा पाते, लेकिन इनमें बड़े वाले टायर दिए गए जिससे आपको काफ़ी अच्छी पावर वगैरह मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। और जो लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है आपको 1500 केजी की दी गई, यानी कि 15 क्विंटल की, तो काफ़ी अच्छी लिफ्ट क्षमता भी मिल जाती है मेरे किसान भाइयों को। और जो पीटीओ दी गई है इसमें 34 एचपी की पीटीओ मिलने वाली है, यानी कि आप थ्रेसर आसानी से चला सकते हैं, काफ़ी अच्छी पीटीओ पावर वगैरह भी मिल जाती है। और यहाँ पर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है, और जैसे आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगाना है तो वो भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है आपको, 5-7 हज़ार रुपये में एक और डिस्ट्रीब्यूटर लग जाएगा यहाँ पर। तो आप डबल जैक वगैरह की ट्राली या पल्टी प्लाउ वगैरह ये भी आसानी से चला सकते हैं इस ट्रैक्टर में। और यहाँ पर आपको एक हैलोजन लाइट भी मिल जाती है, जैसे मेरे किसान भाई रात में काम करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, उनके लिए एक हैलोजन लाइट भी मिल जाती है। भैया थोड़ी इस ट्रैक्टर की प्राइस बताइए, ऑन रोड मेरे किसान भाइयों को कितने रुपये में मिलने वाला है? जी 6,70,000। 6,70,000 रुपये में, जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा जो 2024 में होगा अब तो जी, जो सारे किसान भाइयों के लिए इस ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट बन के आएंगे यानी कि कागज, वो सारे 2024 के ही बन के आएंगे। डाउन पेमेंट के बारे में बात कर ली थी, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 1 लाख रुपये के आसपास। फाइनेंस वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है उसमें? आप काय पे जमीन पे फाइनेंस करते हो या आधार KYC पे करते हो, काय पे करते हो फाइनेंस? जमीन पे हो जाएगी, आधार कार्ड पे भी हो जाता। जमीन से भी हो जाएगी, आधार कार्ड से भी हो जाएगी। और एक बात और बताइए, इस ट्रैक्टर में वारंटी वगैरह कितने साल की मिलने वाली है मेरे किसान भाइयों को? 5 साल की वारंटी है अपने इसमें। अच्छा, वारंटी में क्या क्या चीज रहेगी? वारंटी में अपनी रहेगी इंजन, गियर बॉक्स, हार्ड लॉक, क्राउन पिनियन। अच्छा, इंजन, गियर बॉक्स, क्राउन पिनियन। क्राउन पिनियन क्या है जी? जे व्हील रेट चलता है, जो पीछे के व्हील दिए गए, थोड़ी बताओ किसान भाइयों को, जैसे कुछ किसान भाई होते वो नहीं जानते हैं जे वाले। हाँ जी, इधर बड़ा बड़ी गरारी रहती है ना व्हील, जैसे दोनों पहिए चलते हैं। हाँ, वो तो इनमें जैसे कोई दिक्कत आता है या जी कुछ हो जाता है तो जी बदल के देंगे। 5 साल की वारंटी देते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 5 साल की वारंटी, और इससे हाइड्रोलिक की भी है वारंटी। जैसे कि कभी क्या होता है कि किसान भाइयों के हाइड्रोलिक काम नहीं करते तो वो कंपनी रिपेयर करके देगी, या जैसे नए बदलने लायक होंगे तो नए बदल के देगी, उनमें मेरे किसान भाइयों को कुछ भी पैसे नहीं देने होंगे। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को बाय।